अहम का अर्थ होता है, अहम का अर्थ होता है मैं, वयम का अर्थ होता है हम सब, अहम का अर्थ क्या होता है मैं, वयम का अर्थ होता है हम सब, और त्वम का अर्थ होता है तुम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो हम का अर्थ क्या होता है तुम, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ये है आपके पाठ का नाम। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ रीड करते हैं एक बार। शब्दार्थ देखिए, संज्ञा पदानी, संज्ञा पद में कौन कौन से शब्द हैं और अर्थ हैं। शिक्षक, शिक्षक या अध्यापक, शिक्षक, शिक्षक या अध्यापक। शिक्षक बहुवचन में आ जाएगा ये, अध्यापक गण भी लिख सकते हैं, अध्यापक गण। छात्रा, छात्र, एक छात्र ने हो के बहुत सारे छात्र, छात्र। युवक, युवक, एक ने होके बहुत सारे। मित्राणी, मित्र, ये भी एक मित्र ने होके बहुत सारे। बहुवचन का प्रयोग इन सब में किया गया है। आगे है सर्वनाम पदानी। सर्वनाम पदानी में देखिए, अहम इसका अर्थ होता है मैं, त्वम तुम, किम क्या, वयम हम सब, यूयम तुम सब। फिर है क्रियापदानी। क्रियापदानी में असि हो, अस्मि हूँ, करोषि करती हो, क्रीडामि खेलता हूँ, क्रीडसि खेलती हो, समह हैं, सत हो, कुजत चहचहाते हो, कुजामह चहचहाते हैं, धावामह दौड़ते हैं, धावत दौड़ते हो, तिष्ठत बैठते हो। एक बार फिर देखिए मीनिंग। शिक्षक, अध्यापक बहुवचन में है। छात्र, छात्रे। युवक, युवक। मित्राणी, मित्रे। फिर सर्वनाम पदानी में अहम मैं, त्वम तुम, किम क्या, वयम हम सब, यूयम तुम सब। करोषि करती हो, क्रीडा स्म हैं, सत हो चाहते हैं, धाम छत बैठ। अभी मीनिंग जो हम रखते ये शब्द यहाँ इजी हो जाएगा, जो आपने मीनिंग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हिंदी करने में आपको बहुत ही इजी रहेगा, आराम से समझ आएगी। तो देखिए, अहम मैं, वयम हम सब, त्वम तुम, यूयम तुम सब। गरिमा, अहम गरिमा। गरिमा नाम की लड़की है, वह दूसरी को कह रही है अहम गरिमा, अहम मैं गरिमा हूँ, मैं गरिमा हूँ। त्वम का असी, तुम कौन हो, अपना नाम बता दिया और दूसरी का नाम पूछ रही है, मैं गरिमा हूँ तुम कौन हो। फिर अनन्या कहती है अहम अनन्या अस्मि, मैं अनन्या हूँ। अनन्या ने कहा, क्या कहा, अहम अनन्या अस्मि, मैं अनन्या हूँ। फिर गरिमा ने कहा तुम किम करोषि, तुम क्या करती हो। गरिमा ने उसे कहा तुम किम करोषि, तुम क्या करती हो। अनन्या, अहम क्रीडामि, मैं खेलती हूँ। तुम किम तुम अपि क्रीडसि, क्या तुम भी खेलते हो। अनन्या ने क्या कहा, महम क्रीडामि, मैं खेलती हूँ, क्या तुम भी खेलते हो। गरिमा, आम हाँ, अहम अपि क्रीडामि, मैं भी खेलती हूँ। आम हाँ, अपि क्रीडामि, हाँ मैं भी खेलती हूँ। फिर आगे, अहम शिक्षक अस्मि, मैं
अध्यापक हूँ। अहम शिक्षक है, अस्मि का अर्थ बनेगा मैं अध्यापक हूँ। शिक्षक कहा होगा तो बहुवचन में आएगा। तुम छात्र है असि, तुम छात्र हो। तुम छात्र है असि, तुम छात्र हो। वयम शिक्षक स्मः, हम सब। वयम हम सब शिक्षक हैं। यूयम छात्र सत, तुम सब छात्र हो। यूयम तुम सब छात्र बहुवचन है, छात्र हो। वयम बालक स्मः, वयम बालक स्मः। हम सब बालक हैं, हम सब बालक हैं। यूयम बालक सत, तुम सब बालक हो। यूयम का क्या अर्थ होगा? तुम सब बालक हो। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। यूयम खेलत, तुम सब खेलते हो। यूयम खेलत, तुम सब खेलते हो। यूयम चटकः सत, तुम सब चिड़िया हो। यूयम का क्या अर्थ होता है? तुम सब चिड़िया हो। यूयम कूजत, तुम कूजती हो या चहचहाते हो। वयम अपि चटकः स्मः, वयम अपि हम सब भी चिड़िया हैं। वयम का अर्थ क्या अर्थ होता है? हम सब अपि का अर्थ होता भी, चिड़िया हैं। वयम अपि कूजामः, हम सब भी कूजते हैं या चहचहाते हैं। हम सब भी चहचहाते हैं। आगे है वयम मित्राणि स्मः, हम सब मित्र हैं, हम सब मित्र हैं। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। यूयम अपि मित्राणि सत, तुम सब भी मित्र हो। तुम सब भी मित्र हो। यूयम न धावत, यूयम तिष्ठत, तुम सब नहीं दौड़ते। तुम सब नहीं दौड़ते। यूयम तिष्ठत, तुम सब। तिष्ठत का क्या अर्थ होता था? बैठते हो। तुम सब बैठे हो। तुम सब नहीं, ऊपर जो पिक्चर में दिखा रखा है, ये सभी मित्र हैं। वयम मित्राणि स्मः, हम सब मित्र हैं, हम सब दौड़ते हैं। नीचे बैठे दिखा रखे हैं, अब ये कह रहे हैं यूयम, तुम सब भी मित्र हो, तुम सब नहीं दौड़ते, तुम सब बैठे हो। ठीक है, अधितम जो आपने पढ़ा है, अधितम का अर्थ होता पढ़ना। नाउ वी नाउ, जो आपने अभी पढ़ा है उसको जानो, उसको देखो। अहम, अब वाक्य बनाने हैं इसके अकॉर्डिंग। अहम, इसमें एरो डाल के दो शब्द लिख दिए, बालकः बालिकाः, नीचे अस्मि। मैं इसकी हिंदी बनाना चाहे तो दोनों में कैसे बनेगी? अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ, मैं बालक हूँ। और अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम और अस्मि सेम आएगा शब्द रूप में, मैंने बताया था पुलिंग और स्त्रीलिंग में ये अस्मद और युष्मद सेम आना है, कोई फर्क नहीं है। तो इसमें ऐसे ही है, देखिए अहम बालक है अस्मि, अहम बालिका अस्मि, अहम और अस्मि में कोई अंतर नहीं आया। यदि हम यहाँ पर चेंज करना चाहें तो इसमें हस धातु में आमी लग जाएगा, हसामी बन जाएगा। तो यहाँ पर अस्मि की जगह हसामी लिखेंगे तो अर्थ बनेगा इसका, मैं बालक हंसता हूँ, मैं बालिका हंसती हूँ, ये बनेगा। अब वयम का देखिए, वयम हम सब, अहम का अर्थ तो था मैं और वयम हम सब। वयम नरः स्मः, वयम नरः स्मः, नरः मनुष्य या आदमी।
हम सब आदमी हैं या मनुष्य हैं? वयम महिला स्म, हम सब महिलाएं हैं। तो वयम और स्म में कोई अंतर नहीं आया। वयम स्म, ये सर्वनाम शब्द ऐसे कैसे रहेंगे? हम सब मनुष्य हैं, हम सब महिलाएं हैं। बीच में महिला और नरा में चेंज हुआ है और वयम और स्मय यूं के यूं है। अब चल धातु में आमे जुड़ जाएगा तो ये चलामय बन जाएगा। अब वाक्य बनेगा, हम सब मनुष्य चलते हैं। वयम महिला स्म, महिला चलामय, हम सब महिलाएं चलती हैं। महिला बहुवचन है, समय की जगह चलामय है हम लिख देते हैं तो चलते हैं। अब त्वम में आइए ऊपर, त्वम का कह असी, तुम कौवे हो। त्वम कोकिला असी, तुम कोयल हो। त्वम और असी ये क्या है? सर्वनाम पद। त्वम सर्वनाम पद है। सर्वनाम में पुलिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में त्वम सेम आएगा। असी हो, तुम कौवे हो, तुम कोकिला हो, कोयल हो। अब इसमें सी जुड़ जाएगा, असी से सी, कुज धातु में सी जुड़ गया तो कुज सी। तुम कोवे कुजते हो, चहचहाते हो, तुम कोयल चहचहाती हो। यूयम तुम सब, गजहा सत, तुम सब हाथी हो। यूयम कन्या सत, तुम सब कन्या हो। थ चलत, चल धातु में थ लग के चलत बन गया। तुम सब हाथी चलते हो, तुम सब कन्याएं चलती हो, ऐसे हिंदी बनेगी है। अब अस धातु जो होती है वह लट लकार में कैसे होती है वह देखिए नीचे। इसी के अकॉर्डिंग आप इनको सेंटेंस में लिखोगे। जैसे अस धातु लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा, अस्ति है, स्तः दो हैं, संति बहुवचन में आएगा, अनेक हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में असी हो, स्थ दो हो, सत बहुवचन में, बहुवचन में सत आया तो बहुत सारे हो। उत्तम पुरुष में एक वचन में अस्मी हूँ, उत्तम पुरुष द्विवचन में स्व दो हैं, बहुवचन में स्म बहुत सारे हैं। हूँ हम दो हैं, हम सब हैं। अस्ति स्तः संति प्रथम पुरुष एक वचन में है, किसी दूसरे के बारे में बात होती है। वह है, वे दो हैं, वे सब हैं। असी हो सामने वाले के बारे में, मध्यम पुरुष सामने वाला होता है इसके बारे में है। हो तुम हो एक के बारे में, स्थः तुम दो हो, और सत तुम अनेक हो। उत्तम पुरुष में अस्मि हूँ अपने बारे में बात है, हूँ। स्व हम दो हैं, स्म हम सब हैं, ये है। अब व्याकरण बिंदु नीचे देखिए, अस्मद युष्मद उभयलिंगी है, यानी अस्मद और युष्मद जो है उभयलिंगी है, दोनों लिंगों में यही आते हैं। अस्मद और युष्मद स्त्रीलिंग भी है और पुलिंग भी है, दोनों लिंग चलते हैं इसमें। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुलिंग दोनों के लिए समान रूप से होता है। इनका प्रयोग कैसे होता है? दोनों में समान रूप से होता है। अब आइए बैक एक्सरसाइज, पाठ बोध। पाठ बोध में तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो आपको बोलना है, पढ़ना है और लिखना है, ऐसे के ऐसे सामने लिखना है। अहम अस्मी ऐसे कैसे लिखना है, त्वम असी ऐसे कैसे, जो आगे फिलिंदी ब्लैंक्स दे रखे उनमें ऐसे कैसे आपको लिखना है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये नीचे दे रखे हैं तो ये आपको बैक एक्सरसाइज में फील करने हैं और लर्न करने हैं। जैसे अहम शिक्षक है अस्मी, अब यहाँ पर चेंज कर दिया, वयम शिक्षक सम स्मह, मैं शिक्षक हूँ, हम सब शिक्षक हैं। अब तुम पत्रवाहक असी, तुम डाकिये हो। यूयम तुम सब पत्रवाहक,
तो यहाँ आएगा सत। तुम सब डाकिये हो, सत आएगा बहुवचन में। अहम बालिका, मैं बालिका, क्या आएगा? मैं बालिका अस्मि आएगा यहाँ, मैं बालिका हूँ। अब स्मह दे दिया तो यहाँ आएगा वयम बालिका स्मह, हम सब बालिकाएं हैं। तुम छात्र है असि, तुम छात्र हो, तुम छात्र हो। यूयम, अब इसी से रिलेटेड वाक्य बनाना है, बनेगा यूयम छात्रः सत, तुम सब छात्र हो। अब ऊपर दिया है इन्होंने बॉक्स के अंदर, यहां से आपको शब्द उठाने हैं और ये नीचे वाक्य पूरे करने हैं। जैसे एक तो इन्होंने दे दिया उदाहरण के रूप में, वयम आरक्ष कहा स्मह, ऊपर से ले लिया आरक्ष कहा, हम सब आरक्षक हैं। यूयम, इसके साथ क्या आएगा? यूयम शिक्षक सत, तुम सब शिक्षक हो। अहम कन्या अस्मि, हम मैं कन्या हूँ। तुम समाज सेविका असि, तुम समाज सेविका हो। अब ये पठ, नीचे धातु लिखनी है इनकी व्याकरण बोध के अंदर। पठाम है, इसमें कौन सी धातु है? पठ धातु। चलाम है, इसमें कौन सी धातु है? चल धातु। गायामी, गए या गाय धातु। अस्मि अस धातु। हससी हस धातु। पीबत पा धातु। लिखाम है लिख धातु। धावत धाव धातु। अब है लिखने हैं आगे वयम, वयम से वाक्य बनाने हैं हमने आगे जो दे रखे इसके अकॉर्डिंग। रक्षा में वयम, धावा में वयम, हसा में वयम, गच्छा में। इनकी हिंदी देखिए, हम सब रक्षा करते हैं, हम सब दौड़ते हैं, हम सब हंसते हैं, हम सब जाते हैं, ये बनेगा। आगे है यूयम का, तुम सब, तुम सब का भी ऐसे ही बनेगा, चलत पठत भ्रमत नमत, ये शब्द दे दिए। अब इनके अकॉर्डिंग वाक्य बनाने हैं। यूयम चलत, तुम सब चलते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। यूयम सभी में यू आगे से उठाया है और आगे शब्द दे रखे, ये उठा के वाक्य पूरा किया ये। यूयम भ्रमत, तुम सब घूमते हो। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। अब नीचे भी दे रखा थोड़ा सा, वो भी पढ़िए। संस्कृत में व्यंजनों को हल कहते हैं। संस्कृत में व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। जिन व्यंजनों में अ अ ई ई आदि स्वर जुड़े नहीं होते उन पर हल का चिन्ह लगा देते हैं। जिनमें अ अ ई ई आदि स्वर नहीं जुड़े होते हैं तो क्या करते हैं? उन पर हल का चिन्ह लगा देते हैं, यानी हलंत लगा देते हैं। व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। जैसे गम, म, म पर हलंत लगा दिया, इसके अंदर अ हट गया। वयम में भी हलंत लग गया, चल में भी हलंत लग गया, तुम में भी हलंत, देवांत में भी हलंत। अब आगे नीचे देखिए मम, इसमें मम में अ जुड़ा हुआ है तो कोई हलंत नहीं है। माम, माम में अ नहीं है तो हलंत जुड़ गया। कलमेन, इसमें अ जुड़ा हुआ है, न में तो कोई हलंत नहीं। कलमान, न में कोई अ नहीं है तो हलंत जुड़ गया है। इन पदों के उच्चारण में भी अंतर को हमें समझना चाहिए। मम, माम, कलमेन, कलमान आदि, इनको इस प्रकार से इनका उच्चारण हमने करना है। तो ये आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। तो आपको फर्स्ट लेसन ये कंप्लीट लर्न करना है, वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, बैक एक्सरसाइज इसकी लर्न करनी है और बुक के अंदर फील करनी है। चलिए जी।